अब वो है, वो भी पूरी एनर्जी के साथ भिड़ रहा है और आप भी पूरी एनर्जी के साथ भिड़िए। देखो पांडे जी, एक बात आपको हम समझाना चाहेंगे कि देखो, यदि हम छोटी छोटी चीजों में पढ़ेंगे जी, तो महापरिवर्तन कहीं अपने दरवाजे से रह ना जाए। बात समझते हो कि नहीं समझते हो? सर, और हमें ये बात भी समझना पड़ेगी कि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि आज की राक्षसी व्यवस्था की जान राजनेताओं में है, वैसे ही हमारे इस महापरिवर्तन मॉडल की जान इसके सदस्य शपथ में है। हमें सदस्य शपथ पे बहुत जोर देना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि यदि हम रोज शपथ लेके उसका वीडियो बना के डालें तो उससे दूसरों के ऊपर बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। जी, यदि हम अपनी दिनचर्या में सुबह जागते ही यदि पहला काम जो है अपराध मुक्त भारत मिशन की जो सदस्य शपथ है, यदि उसको दोहराएं और सोते वक्त भी एक बार दोहराएं, तो हमारे अवचेतन मस्तक में ये बात चली जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? दूसरी बात यह है कि देखो, आपने बड़ी मेहनत से बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, सर लेकिन अपन ने किसी को पद दिलवाया क्या? सर वो यदि थोड़ा सा ना, यदि अभी यदि जी हम पद दिलवाएंगे तो हमारा कद बड़ा होगा कि नहीं होगा? जी सर, आपका क्या मानना है, कद बड़ा होगा या छोटा बिल्कुल होगा? सर, बिल्कुल सर, बड़ा होगा सर। बड़ा होगा। और जब तक हम 21 विधाओं में इतने सारे स्तर हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर, सांसदीय क्षेत्र स्तर, विधायक क्षेत्र स्तर, उप संभाग स्तर, ब्लॉक स्तर, टाउन स्तर, मोहल्ला स्तर, गांव स्तर और पोलिंग बूथ स्तर, इतने स्तर पर हमें एक अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 10 जो है सहायक उपाध्यक्ष और 21 लोगों की कार्यकारिणी समिति इकट्ठी करना है, जो हर जो है शनि रविवार को बैठक ले, 7 दिन में क्या किया और आगे 7 दिन की क्या योजना है। जब तक हम इस ढंग से नहीं चलेंगे तब तक हमारा काम हो पाएगा क्या? नहीं, वो बल्कि कर रहे हैं हाँ, सर, वैसे करेंगे, ऐसा नहीं है सर। क्योंकि देखो दिनों का सवाल है, समय तेजी से निकल रहा है और जी सर, देखो जो है इंद्र भगवान का सिंहासन डोल रहा है, वो आपके उसमें व्यवधान पैदा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, जी सर, इतने दिनों से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मीटिंग में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, जी, ये कुछ कोई तो करा रहा है ना। ये हमने एक मोबाइल, नया मोबाइल फोन खरीदा, उसको भी जो है ना इन्होंने डिसेबल कर दिया। तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब जो है इसमें लिंक जो है हम पोस्ट करते हैं, तो यदि आप लाइव पे सर्च करेंगे क्राइम फ्री भारत के, और उसमें पैनल पे जुड़ने की भी लिंक रहती है, तो मुझे लगता है कि 4-5 जो सदस्य हैं हमें पैनल पे भी आना चाहिए, और 2-3 लोगों को तो पैनल पे बने ही रहना चाहिए, जैसे संजय सिबाल को बने रहना चाहिए, आपको बने रहना चाहिए, राइट? और हमारे और भी 2-3 जो सदस्य हैं उनको पैनल पे रुकना चाहिए, और बीच बीच में जो व्यक्ति आता आता है, जोड़ा जाएगा, उसकी बात का हमें जवाब देना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम सब लोगों के डाउट क्लियर कर पाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि मुझे संत समाज के प्रमुख लोगों को जो ना अलग से पैनल पर बुलाना चाहिए, हमें अलग अलग लोगों को बुला के, हमें यदि हम इन सब लोगों को पैनल पे लाके चर्चा करेंगे तो हमारा जो है जो डिस्टॉर्शन है उसको हम दूर कर पाएंगे, हम ज्यादा एनर्जी से लोगों को जोड़ पाएंगे। देखो मॉडल में इतनी ताकत है कि ये जो मठाधीश बैठे हुए हैं, ये बताइए जो 23 जून को पटना में सभी अपोजिशन के लोग वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने यही माना हुआ था ना कि उन सबके पीछे एक भेड़ होंगे, जैसी भीड़ है जहां वो जाएंगे, जहां वो ले जाएंगे वहां पर वो भीड़ भी आ जाएगी। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जी सर, तो उन्हें ये मानने का क्या हक है? हमको गाय भैंस मांगने का क्या हक है उनको? उन्होंने क्या कर दिया है? इन्होंने तो 75 शुरू से जो है गुलामों वाले नियम कानून थोप के रखे हैं।
ये नियम कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाए थे? 1857 की क्रांति को क्रश करने के लिए बनाए थे ना। जी। ऐसे घटिया कानून क्या किसी भी राजनेता को अपने देशवासियों पर थोपना चाहिए था क्या? नहीं, नहीं थोपना चाहिए था। ये क्या वही प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है जिसके तहत मुट्ठी भर अंग्रेज जो है भारतीयों का शोषण करते रहे हैं? ये व्यवस्था एज इट इज आपके ऊपर थुपी हुई है कि नहीं थुपी हुई है सर? और ये घटिया व्यवस्था घटिया कानून के तहत भी अपने जो भी इन कानूनों के तहत भी वैधानिक दायित्व है उनका पालन कर रही है क्या? क्या सर, इसको करेंगे सर, इसको अगर शाम को मीटिंग अगर जो आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं सर उसपे, हाँ हाँ उसपे तो सभी लोग आके एक बार इसको ना क्लियर कर लेते हैं साथ में बैठ के। हाँ, और मेरे ख्याल से मैं तो कल आपकी अपेक्षा कर रहा था मैं सर। वो प्रमोशन कोर्स चल रहा ना तो थोड़ा थकावट हो जाता है, नींद आ जाती है, तो आ जाएंगे सर, आ जाएंगे सर। ठीक है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हमें ज्यादा एनर्जी से काम करना चाहिए। आज ही एक हमारे जो है साहू जी से चर्चा हो रही थी, वो छत्तीसगढ़ से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे साहब आप क्यों एनर्जी खर्च कर रहे हैं, आप जो है ना भाजपा को सपोर्ट करिए। हमने कहा क्यों किसी को सपोर्ट करेंगे, इन्होंने जो है 10 सालों में क्या किया है? क्या एक भी कानून को बदला? क्या इन्होंने जो है कोई भी दुष्ट व्यवस्था को बदला है? जो कानून संविधान की भावना के विपरीत नागरिक और नागरिक में मतभेद करते हुए जाति और धर्म के आधार पर मारते हुए जो घटिया कानून संविधान की भावना के विपरीत बनाए, उनमें से एक भी कानून को इन्होंने रिपील किया क्या? नहीं किया। कोई भी एक अच्छा कानून बनाया क्या? नहीं बनाया। तो और अभी देखिए ना, सबकी खाल मोटी है कि नहीं है? जी, 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 ये बताइए, ये बहुत दयनीय बात है कि जो ओलंपिक मेडल लाई बिटिया और उनकी वैधानिक बात भी नहीं सुनी गई। क्या दिल्ली पुलिस की ये वैधानिक जिम्मेवारी नहीं थी कि उस पर अपराध पंजीयन करते उसी समय जिस समय रिपोर्ट किया गया था? जी सर, बिल्कुल। उस विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया, किसके सारे पे नहीं किया? इन्हीं राजनेताओं के सारे पे। किसको बचाने के लिए? एक ब्रिजभूषण को बचाने के लिए। कितनी दुष्ट व्यवस्था है। माननीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल में आए और उन्होंने भोपाल में कहा कि जो है ना सबका ईडी वीडी और भ्रष्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे, और उसके 4 दिन बाद ही जो है जिन जो यूडीपी के सपोर्ट ईडी के सपोर्ट में आए हुए थे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। बताइए इनका कोई धर्म है, कोई चिंतन है? देश को कहां ले जाना है इसका कोई सोच है? तो बहुत मूर्ख बन गए हैं। लेकिन यदि हम आम लोगों को नहीं जगाएंगे, बड़ों को छोड़िए आम लोगों को जगाइए, हर जगह हर लोगों को मैसेज जो है ना लोगों के नाम प्रस्तावित करिए, उनको जोड़िए, उनको पद दीजिए, उनको जो है ना आगे बढ़ाइए। करते हैं सर इसको, शाम को मीटिंग में आते हैं। ठीक ठीक है, राइट राइट केपी। और ज्यादा एनर्जी से काम करना है। जो गिला सिकवे जो है ना, ये छोटी मोटी चीजों को छोड़िए, और जिसको चाहे उसको अपन वहीं पे डांट देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो वो भी कहता है कि साहब आप कभी भी मुझे डांटिए, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जो आप आदेश देता हूँ मैं उन्हीं का पालन करता हूँ। तो हालांकि ये बात भी है कि उसे ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावनाओं को वो ना करे, और अच्छे ढंग से ये बात समझाए कि अध्यक्ष क्या चाह रहे हैं, राइट? इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं उसको रिकॉर्ड करके भी पब्लिश करें, जिससे कि जो हम आप लोगों के डाउट क्लियर कर रहे हैं वो आम पब्लिक तक भी पहुंचे, आम पब्लिक भी उसे समझे जाने, और इसमें गति लाए। यदि हम गति लाएंगे, ये बताओ यदि हम सबको जोड़ के और यदि हम नंबर 1 पे आ जाएंगे तो जो बताइए कौन हमको मुख्यमंत्री और कौन प्रधानमंत्री बना रहा है क्या? नहीं। तो कितनी महान व्यवस्था है ये, जो सब जो ना जिसने मॉडल भी बनाए हुए हैं, सब चीजों को बदल भी जाएगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। और ये बात तो आप महसूस कर रहे हैं ना कि ये मॉडल में इतनी ताकत है कि मतदान के पहले लोगों की जो है ना लोगों को अपनी पराजय स्वीकार करना पड़ेगी। मतदान के पहले जी। केवल हमें उसे जमीन पर उतारने की बात है, और हम अपनी बात कहते रहे, लोगों को जोड़ते रहे, अंधभक्त और दल भक्त भी बहुत सारे जो धीरे धीरे समझ जाएंगे वो भी जुड़ने लग जाएंगे, और नहीं जुड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके नीचे के लोग उनके साथ नहीं रहेंगे।
जी सर, सर ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जी जी जो आज ठेकेदार बने हुए हैं वो उन्होंने क्या अच्छा कर दिया है? वो हमारे मतों के ठेकेदार क्यों होना चाहिए? वो तो ऊपर दुश्चरित्र भी हैं। देखा जाए तो कोई दुश्चरित्र पति हो तो पत्नी जो है ना अपने दुश्चरित्र पति का सपोर्ट करती है या उससे कुड़ती है, चिड़ती है? सपोर्ट करती है सर। नहीं, पत्नी जो है अपने दुश्चरित्र पति को जो है कि कुछ ना कह पाए तो भी कुड़ती है वो। हाँ वो भी है बिल्कुल सर, बिल्कुल कुड़ती है। तो इनके तो पत्नी बच्चे यदि अच्छे हैं, कुसंस्कारित नहीं है, सुसंस्कारित हैं, तो वो इनके नीचे से हट जाएंगे। लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमें अपने मॉडल पे, अपने चरित्र पे, अपने शक्ति पे वो होना चाहिए, और हमें ज्यादा एनर्जी से भिड़ना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना पड़ेगी, तभी हम ये कर पाएंगे। राइट, ठीक। तो चलो शाम के जो है ना जुड़ते हैं जी, और जी, और ज्यादा एनर्जी से काम करना है। ठीक है, सर, सर, चलिए, सर, सर, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।